नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दुमका जिले के जामा प्रखंड के बारा पंचायत के महेशपुर गांव में बिजली तो नहीं पहुंची, मगर बिजली विभाग का गोरख धंधा फिर सामने आया, क्योंकि इनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के कारण बिजली का बिल ग्रामीणों के पास आने लगा है। बता दें कि जामा प्रखंड के गांव में प्रधानमंत्री विद्युत योजना के तहत सर्वे करने के बाद आज तक बिजली विभाग द्वारा खंभा भी खड़ा नहीं किया गया है, जबकि 2017 से ही ग्रामीणों के पास बिल आना शुरू हो गया है। ग्रामीणों के इस बिल आने की वजह से उनके बीच में काफी आक्रोश व्यक्त है। दुमका से अजय कुमार तिवारी की एक रिपोर्ट। तो उसमें कुछ नहीं, खाली बिल आया सर। माने सर्वे करके गया? हाँ सर। बिल भेज दिया? बिल भेज दिया सर। कुटा खंबा? कुछ नहीं है सर, कुटा खंबा कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। अभी लगे? अभी लगे। कितना लोगों को बिल आया? मान लो बहुत लोगों का आ गया सर। तो बिल आया तो इसके लिए आप लोग क्या किए? मान लो आवेदन दिए सर बिल रोकने के लिए। आवेदन दिए? हाँ। अच्छा, इस गांव में बिजली होना आवश्यक है? हाँ सर, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मान लो पढ़ने के लिए भी सर, अब मान लो रात रात में भी जलाने के लिए सर, मान लो किरासन भी तेल बढ़ा गया सर। बिजली आवश्यक है, लेकिन आप लोगों की बिजली? आप लोग कभी अधिकारी को या बीटीओ को या सीओ को या विभाग को लिख के दिए कि हम लोग गांव में बिजली? हाँ सर, पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बाबूपुर आईटीआई में कर रहे हैं अभी। आईटीआई में? अच्छा, ये बताइए कि आप तो गांव में रहते हैं। जी सर। तो रात में कैसे पढ़ते हैं? रात को तो नहीं पढ़ पाते हैं सर, अभी जो डिबिया सब हम लोग का किरासन से चलता है उसी से पढ़ते हैं, और ज़्यादा देर तक भी नहीं पढ़ पाते हैं। तेल कितना मिलता है आपको? तेल घर पर अढ़ाई लीटर मिलता है, उसमें भी दो तीन जगह जलता है तो महीना भर भी नहीं चलता है हम लोग का तेल। बिजली नहीं है गांव में? बिजली तो है ही नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि बिजली के अभाव में आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है रात में? हाँ सर, तो लगता है, तो क्या करें सर, मजबूर गाँव में तो हम लोग का यहाँ कोई आने वाला, ऐसे सर्वे बहुत बार हुआ लेकिन अभी तक कुछ इसका आया ही नहीं, चिन्हित करके गया लेकिन अभी तक कहाँ। अच्छा, इस गाँव में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं? लगभग अभी कहाँ सब